तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं और कितना पैसा लगा हुआ है और कहाँ पे शूट करते हैं ए टू जेड बताने वाले हैं और मेरे पास टोटल कितना का भी सामान हम परचेज कर चुके हैं और ये पैसा कहाँ से आया। तो ए टू जेड देखने के लिए वीडियोस को पूरा देखिए और कौन सा माइक यूज करते हैं फिलहाल में। तो देखिए अधिकतर आप लोग वीडियो देखते हैं मेरा और इसका, ठीक है, और एक और जाहिद है तो अभी दुकान पे है, वो दुकान खुला हुआ है, अभी खरवाह चल रहा था, हम दुकान पे नहीं जा रहे हैं, जाते हैं शाम को जाते हैं। तो देखिए ये जो है कैमरा DSLR कैनवान का है, ठीक है। तो ये जो मेरा परचेज हुआ टोटल, ये माइक हो गया, तो माइक देखिए Digitech का है, लगभग 6 से 7 हज़ार में हो जाता है। और ये कैमरा और इसका स्टैंड टोटल खर्चा यानी कि 70,000 रुपया मुझे लगा है। और जिससे अब शूट हो रहा है ब्लॉग ये मोबाइल, तो ये भी यूट्यूब पैसा से ही है। तो लगभग हम 3 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, तो पहले तो RS फैशन डिजाइनर बुटीक से हम कमाते थे सिलाई सिखाकर, अब जो है 3-3 चैनल से कमाते हैं, प्लस अभी मोनेटाइज हुआ है फेसबुक पेज, तो अभी उससे पैसा नहीं आया है, लेकिन पैसा उससे भी रेवेन्यू बनने लगा है। तो फाइनली चलिए वो जगह दिखा रहे हैं और जो भी सामान है मेरे पास वो हम दिखा दिए। और ये देखिए यही जगह है, आपको दिखा दे छत कितना बड़ा है मेरा, ये देखिए इतना में ये धान पसारा हुआ है। हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, बिहार से, और यहाँ पे देखिए जो देसी कल्चर है उस तरीके से धान कितने लोग बेच देते हैं, अब नए जमाने में धान लोग बेच देते हैं नहीं, और हम लोग कुछ गेहूँ बोने के लिए धान बेचाया और कुछ ये सूख रहा है, इसको पकाते हैं फिर सुखाते हैं फिर ये कुटाते हैं फिर जाके वो चावल होता है। तो इधर देखिए ये छत इधर रहा, तो हम लोग जो छत बनाते हैं वीडियो, तो ये मेरा खुद का अपना नहीं है, चाचा लोग का छत है, छत पर हम लोग ये बनाते हैं। और अभी साथ में ही है पूरा टोटल घर। और इधर देखिए इधर आप लोग इधर दिखा रहे हैं, इधर पूरा ब्लॉकेट है, तो यही मेरा अपना कुटिया है, दो दो रूम पड़ा हुआ है, दो रूम है। तो एक रूम में बहुत लोग रहती है, देखिए ये जो रूम है तो इसमें बकरियां वगैरह रहती है, इसमें बकरियों का रहता है, इधर खाना बनता है, अधिकतर आप लोग यहाँ का वीडियो देखे होंगे। तो यही मेरा छोटा सा कुटिया है और वही जो रूम में हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो रूम है, तो यही है। और फिलहाल हम लोग शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं, तो ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, और ये सब यूट्यूब पैसे से ही है क्योंकि इसका भी EMI चलता है, लोन इसका लास्ट कटने वाला है। तो ये बता दे कि भाई हम लोन पे लिए थे, तो ये नहीं कि हम कमा कमा को भरे हैं, यूट्यूब पैसा जो होता है ना तो वो भी कमाई ही हुआ, तो यूट्यूब पैसा से ही ये सब कुछ है। और ये फाइनल अगला महीना को कटेगा लोन, तो ये पूरा फाइनल 100% मेरा हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा एक बार पैसा देखा हम लोग नहीं खरीदे क्योंकि बहुत कम पैसा अभी कमाते हैं, शॉर्ट्स जो है कितना पैसा देते हैं आप सभी को तो पता ही है, बहुत कम 2-1.5 लाख पे $1 बनता है। और जो RS फैशन डिजाइनर बुटीक जो सिलाई वाला है तो उस पर हम जेंस सिखाते हैं तो बहुत कम व्यूज आता है, अब सोच रहे उस पर लेडीज भी काम सिखाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टूडियो नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोग का पास पैसा हो। और हम लोग ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया है जिसका नाम जोया है। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।